नाप तौल से अगर आपको रिफंड मिल गया है उसका पैसा आप यूपीआई से ट्रांसफर कैसे बैंक में कर सकते हैं, तो इस वीडियो में यही आज बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले आप तो वेबसाइट पे इनके जाते थे, नाप तौल की वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे कैश वाउचर का ऑप्शन देता था, आप वहाँ से यूपीआई ट्रांसफर कर लेते, बट अब कुछ नियम चेंज हो चुका है इनका। अब ऑप्शनली जो ऐप है प्ले स्टोर पे उसको जाके डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करिएगा नाप तौल ऐप, नाप तौल ऐप सर्च करेंगे तो 3-4 MB का आपको ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। इसमें करना क्या होगा, नाप तौल का ऐप इंस्टॉल करके अपने वही नंबर से रजिस्टर करिएगा जिससे आप शॉपिंग किए हैं, जिससे आपको रिफंड मिला है, जो भी मैसेज आया है आपके पास वाउचर नंबर आया होगा। तो चलिए मैं प्रोसेस बताऊँ, यहाँ नाप तौल मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, यहाँ से आप नंबर से लॉग इन ही कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे साइड में लगा रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे देखिए एक कॉल का ऑप्शन दिखेगा, बगल एक पर्सन का मतलब एक आदमी का फेस बना हुआ दिखेगा, मतलब इमोजी का मॉडल दिखेगा, वहां पे आपको टच करना है, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, फिर वहां से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे यूपीआई ट्रांसफर का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, मतलब इसमें यूपीआई ट्रांसफर होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ वाउचर कैसे इसको यूपीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे, वहां भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको अपलोडेड एंड अर्न, उसके नीचे लॉयल्टी पॉइंट्स जो भी नंबर होगा आपको दिख रहा होगा, तो वहां पे आपको टच करना है। आपको ये देखिए हिडन सेटिंग ये रखा हुआ है, हिडन सेटिंग, फिर आप इसको उस पर टच करने के बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा इन कैश पे आपको टच करना है। इन कैश पे जैसे ही टच करेंगे आप तो एक ऊपर बॉक्स खुल जाएगा, वाउचर फिल लिखा रहेगा, वहां पे वाउचर नंबर आपको फिल करना है, वैलिड पे आपको टच करना है, जितना भी अमाउंट होगा शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ से यूपीआई नहीं हो पाएगा, यहाँ से सिर्फ आप जैसे वाउचर वैलिड करेंगे जितना अमाउंट रहेगा आपको उसको यूपीआई करना होगा। यहाँ पे जैसे वैलिड करके क्लिक करेंगे तो ये आपके नंबर पे जिससे आप शॉप किए हैं उस पर एक मैसेज आएगा, लिंक आएगा, उस पर आपको टच करना होगा। जैसे आपके फोन पे मैसेज आ गया है तो उस पर लिंक पे टच करेंगे तो वहां से आपको यूपीआई नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डाल के वहां से आप पैसा अपने यूपीआई में या बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो रही, आप जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने की वजह से हमारी वीडियो और लोगों के पास सजेस्ट करेगी। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई सवाल जवाब है कमेंट करके पूछिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।